बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मेराज फातिमा आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ आप लोग के सामने। और आज की हमारी रेसिपी का नाम है मैंगो खीर। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत मज़ेदार बनती हैं। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे रोज जो वीडियोस आते हैं आप लोग से मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार है, ये हैं दो बड़े मैंगोज, हमारा पहला इंग्रेडिएंट, दो बड़े मैंगोज, 1 लीटर मिल्क, 150 ग्राम्स राइस है ये। मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, बस आप भी भिगो लें, अगर बासमती राइस हो तो ले लें और अच्छा फ्लेवर आएगा। ये है कंडेंस मिल्क, वो 1 कप कंडेंस मिल्क, 50 ग्राम्स ऑफ कस्टर्ड पाउडर। कंडेंस मिल्क मैंने ज्यादा लिया हुआ है इसलिए चीनी बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, 100 ग्राम्स तो लिया है मैंने, हसबे जरूरत मैं डालूंगी। और ये मैंगोज के बारे में बोलना चाहूंगी, मैंगोज अगर आप हिमायती लेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगी, अगर अल्फांजो लेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगी। मैं ले रही हूँ बेनिशान, जस्ट मैंगो का फ्लेवर देने के लिए खीर में। अगर आप अल्फांजो या हिमायती यूज करेंगे तो और भी मजे की बनेंगी, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। पहला काम हम ले लेंगे एक खुला सा बर्तन, उसमें हम दूध डालेंगे। दूध को अच्छी तरीके से पकाना है तो आप तकरीबन आधा घंटा दूध पकाएं, फुल पर फिर धीमा करके, फुल पर फिर धीमा करके, उस तरीके से हम दूध पका लेंगे जब तक ये चावल को पूरा पीस के पेस्ट बना लेंगे, गाढ़ा पेस्ट। ठीक है, मैं अब ये पीस लेती हूँ फिर आपको बताऊंगी। मैंगोस को पील करके उसके पीसेस बना के हम पूरा ब्लेंड करके पेस्ट बना लेंगे, आप लोग भी वैसे करके रेडी रख लें जब तक दूध बॉईल होता है। दूध अच्छे से बॉईल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये चावल का पेस्ट बनाया था, थोड़ा सा पानी डाल के। तो अब इसको हम कढ़ी के जैसा लगा देंगे, इसको कढ़ी में जो चावल लगाते हैं ना हम, उस तरीके से इसको भी मिक्स करते करते लगाएंगे। और शाम में ठहर के इसको आप कुक करें ताकि लम्स ना आए, एक लम्ब भी नहीं रहे ना, वरना खीर आपकी अच्छी नहीं दिखेगी, मजे में भी वो उसके बॉल्स आएंगे तो अच्छा नहीं मालूम होगा। तो आप इसको शाम में घर के अच्छे से आप कुक करें, इसको ऐसे मिक्स करते करते कुक करना है। और आम का जो मैंने ब्लेंडर यूज करके उसको जूस बना दिया है ना, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल के आप बॉईल करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि वो ना आपको अगर वो थोड़ा भी आम खट्टा हो तो दूध फटने का डर रहता, चीनी हम मिला लेंगे तो नहीं होगा। वैसे हमारे चावल अच्छा पक चुके थे तो मैंने इसमें थोड़ा सा और मिल्क ऐड किया, बहुत थिक कंसिस्टेंसी हो चुकी थी, दैट्स व्हाट। आप भी अपना अंदाजे से आप मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हो गया है टाइम कंडेंस मिल्क डालने का। अब इसमें हम मैंगो का पल्प डालते हैं जो कि ब्लेंड किया हुआ है। अच्छा मिक्स कर लेते हैं, एक बॉईल आए जब तक इसको रखेंगे, फिर हम कस्टर्ड पाउडर पानी में मिक्स करके डालेंगे। इसकी थिक जो कंसिस्टेंसी है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। शुगर इससे पहले आप टेस्ट कर लें, अगर जरूरत हो तो और डाल लें। कस्टर्ड इस तरीके से पानी में मिला लेंगे और हमारी खीर में भी एक बॉईल आ चुका है। कस्टर्ड में तकरीबन आप आधा ग्लास से बढ़कर पानी लें ताकि आपकी, क्योंकि कस्टर्ड डलने के बाद भी थिकनेस बढ़ती है, ऐसे पतला खोल लें। वेनिला फ्लेवर भी ऐड हो गया, कलर भी अच्छा आ जाएगा, तो हमें इलायची डालने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छे से मिक्स कर लें आप इसे, देखें हमारी खीर बनकर तैयार हो गई, बहुत जल्दी और इजी बनती है और बहुत लजीज बनती है।
चलिए अब तैयार हो चुकी है हमारी मैंगो खीर, आप लोग भी इसे बनाइए, ठंडी सर्व करिए, बहुत मजा आता है। और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब चलती हूँ मैं, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियोस जो रोज मैं डालती हूँ आप लोग उससे मिस ना करें। चलिए ठीक है, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज, एंजॉय द फूड।